क्या समाजवादी पार्टी ने खोज लिया है सत्ता की कुर्सी का रास्ता? सपा को छोटे दलों से कैसे मिलेगा फायदा? सपा के छोटी पार्टियों के गठबंधन से क्या बीजेपी को होगा नुकसान? 2022 का चुनाव क्या योगी वर्सेस अखिलेश ही होगा? उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव काफी कड़ा होने वाला है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि यूपी में एक तरफ बीजेपी मजबूत स्थिति में है तो वहीं अखिलेश यादव भी रेस में ज्यादा पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले साफ बोल दिया था कि वो इस बार किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों से जो छोटी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आ रही हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि सपा के साथ पहले ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गठबंधन में है, तो वहीं धीरे धीरे कई छोटी पार्टियां सपा के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी अखिलेश यादव के साथ लगातार मिलने का दौर जारी है। अखिलेश को मिल रहा है छोटी पार्टियों का साथ, पूर्वांचल जीतने में मिलेगा ओपी राजभर का साथ, साथ आए राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है सपा से गठबंधन। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी छोटे दलों का समाजवादी पार्टी से जुड़ने का क्या फायदा होगा। पहले हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बारे में, यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में। अखिलेश को राजभर की पार्टी से कैसे मिलेगा फायदा? पूर्वांचल की सियासत में किंग मेकर माने जाने वाले ओपी राजभर समुदाय को साधने के लिए समाज के सभी दिग्गज नेताओं को अखिलेश अपने पाले में लाने के लिए कामयाब हो गए हैं। और कहते हैं ना, जिसका पूर्वांचल उसकी सरकार, मतलब कि जिसने पूर्वांचल पर कब्जा कर लिया वो यूपी की सत्ता की तरफ आगे बढ़ जाता है। जयंत चौधरी और अखिलेश के साथ से बीजेपी को कैसे होगा नुकसान? अब बात करते हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। इस गठबंधन से बीजेपी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वेस्ट यूपी में कृषि कानूनों के चलते पहले से ही कमजोर पड़ चुकी बीजेपी को आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि वेस्ट यूपी की सियासत अब बदलेगी और जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन वेस्ट यूपी में कामयाबी हासिल कर सकता है। बता दें कि वेस्ट यूपी में 136 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ 2017 के विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा था, जहां बीजेपी ने 136 सीटों में से 109 सीटें हासिल की थी। गौरतलब है कि 2017 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और आसपास के जिलों की कुल सीटें 164 में से बीजेपी को 115 पर फतह मिली थी, तो समाजवादी पार्टी को मात्र 17 सीटें मिली थी। अपना दल कमेरावादी भी आई सपा के साथ। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ अब अपना दल कमेरावादी यानी कि कृष्णा पटेल की पार्टी भी जुड़ गई है और इसकी घोषणा खुद कृष्णा पटेल ने की है। कृष्णा पटेल ने बताया कि अखिलेश यादव से उनकी बहुत लंबी बातचीत हुई, जिसमें कई सीटों पर भी चर्चा की गई। उनका मानना है कि जो विचारधारा अपना दल की है वही विचारधारा समाजवादी पार्टी की है। चाचा से हो सकते हैं रिश्ते बेहतर। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन शिवपाल की मांग है कि उनको 100 सीटें दी जाएं। अगर समाजवादी पार्टी उनकी बात मानती है तो एक बार फिर चाचा भतीजे साथ आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ आने की हो रही है अटकलें तेज। कहते हैं ना, राजनीति में कब कौन किसके साथ आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कयास इस बात की भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी सपा के साथ जुड़ सकती है, क्योंकि संजय सिंह का समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव से मिलने का दौर जारी है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में इन दोनों का भी गठबंधन हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी में छोटी पार्टियों के सहारे सरकार बनाने की कवायद तेज कर रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल की बात करें तो उसमें निषाद पार्टी और अपना दल है। बता दें कि 2017 में अपना दल ने 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार की लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में चर्चित हैं, जैसे राम मंदिर उनमें से सबसे बड़ा है। तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बीजेपी के लिए सीटें बढ़ाने का काम करेगा। फिर भी बीजेपी के लिए सत्ता की कुर्सी की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि महंगाई और किसान जैसे बड़े मुद्दों के बीच बीजेपी कहीं न कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।